किसे कहते हैं? वक्फ रुक जाने को कहते हैं। किस चीज से रुक जाना? मिल्कियत से रुक जाना, करप्शन से रुक जाना, दलाली से रुक जाना, मिसयूज से रुक जाना। सिर्फ उसका मालिक अल्लाह। इसका कोई चौधरी मालिक नहीं है, कोई चेयरमैन मालिक नहीं है, कोई मुतवल्ली मालिक नहीं है, कोई फैमिली मालिक नहीं है, कोई एमएलए मालिक नहीं है, कोई एमपी मालिक नहीं है। इसका मालिक सिर्फ अल्लाह। जिस तरीके से मेरी जान का मालिक अल्लाह है, जिस तरीके से मेरे बाप और मेरी माँ का मालिक अल्लाह है, इसी तरीके से ये वक्फ प्रॉपर्टी का मालिक भी अल्लाह। आज के हफ्त गुंबद के इस एहतजाज में मुझे शिरकत करके बहुत फख्र हुआ, बहुत हिम्मत हुई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बिल के खिलाफ मुल्क भर में एक लंबी लड़ाई के लिए अवाम तैयार है, औरतें भी तैयार हैं, गोद में बैठे हुए छोटे छोटे दूध पीते बच्चे भी तैयार हैं, बुजुर्ग हजरात आप भी तैयार हैं, मेरे नौजवान साथियों आप भी तैयार हैं। ये लड़ाई लड़के ही जीती जा सकती है, ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, और ये लड़ाई छिड़ चुकी है। जब पार्लियामेंट के अंदर इसे पेश किया गया, जो चीज प्रपोजल कानून की तब्दीली के लिए या कानून को बदलने के लिए या नया कानून लाने के लिए कोई भी एक प्रपोजल पेश किया जाता है तो उसे बिल कहते हैं, और जब वो अक्सरियत के साथ फॉर्मेलिटी के साथ पास हो जाता है उसे एक्ट कहते हैं। अभी भी ये एक्ट नहीं हुआ है, ये बिल है। ये बिल को बिल्लों में भेजने का इंतजाम करने के लिए आपके जज्बात की, हौसलों की और कुर्बानियों की जरूरत है। एक नई तारीख हमें बनाना है। मैं तो यहां पर किसी कौम के किसी तबके को, किसी पार्टी को मैं तफरीक करना नहीं चाहता। मैं दावत देता हूं, आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। हो सकता है अब तक बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत कुछ हमारे अंदर तफरीके थे, बहुत दीवारें खड़ी हुई थी, बहुत कंफ्यूजन था, बहुत अय्याशी कर ली, बहुत आराम कर लिया। अब लड़ने के दिन है, आओ। अब स्टेज के दिन नहीं है, आइंदा हम स्टेज नहीं डालेंगे, ऐसी कुर्सियां नहीं रहेंगी और ऐसे मैदानों में हम नहीं बैठेंगे। हम रास्तों पर बैठना पड़ेगा, धूप की चिलचिलाती हुई तपिश को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और फिर जज्बाती बन के नहीं, मजहबी बनकर, महजिब बनकर, एक नंबर का शहरी बनकर, कॉन्स्टिट्यूशनल लबादा ओढ़कर, रेस्पेक्ट के साथ ये लड़ाई को, हमें एक लंबी लड़ाई के लिए हमें तैयार होना है। वफ किसे कहते हैं? वफ रुक जाने को कहते हैं। किस चीज से रुक जाना? मिल्कियत से रुक जाना, करप्शन से रुक जाना, दलाली से रुक जाना, मिसयूज से रुक जाना। सिर्फ उसका मालिक अल्लाह। इसका कोई चौधरी मालिक नहीं है, कोई चेयरमैन मालिक नहीं है, कोई मुतवल्ली मालिक नहीं है, कोई फैमिली मालिक नहीं है, कोई एमएलए मालिक नहीं है, कोई एमपी मालिक नहीं है। इसका मालिक सिर्फ अल्लाह। जिस तरीके से मेरी जान का मालिक अल्लाह है, जिस तरीके से मेरे बाप और मेरी माँ का मालिक अल्लाह है, इसी तरीके से ये वक्फ प्रॉपर्टी का मालिक भी अल्लाह है।